हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बारे में, चैप्टर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज की, तो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में हमने सीखा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, किस तरह से हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, या फिर ये कहें उसके रूट्स फाइंड करते हैं। हमने सीखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हम फैक्टर मेथड से फाइंड कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उनको उनमें जो कंडीशंस गिवन है उसको किस तरह से यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 तक हमने ये सीखा है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.4 की, तो ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, इसके बारे में बहुत कुछ आपको पहले ही पता है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें टॉपिक की, तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये होती है हमारे पास ax² + bx + c = 0। a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a अगर 0 हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें पता है कि इसके ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं, तो उन रूट्स का नेचर कैसा होगा, तो इसके बारे में ये एक्सरसाइज है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट हमने 4.3 में इसके बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, रूट्स के नेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट डी ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये होता है हमारे पास b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद, डी निकालने के बाद, अब डी के हमारे पास यहां पे 3 केसेस है। जो डी की वैल्यू आएगी आपके पास, ये जो हमने इसको सोल्व करके जो वैल्यू निकाल ली है, तो यहां पे हमारे पास जो डी है, तो एक केस में तो ये हो कि जो डी है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, मींस पॉजिटिव वैल्यू हमें मिली। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि डी इक्वल टू 0 आ जाए, और एक हमारे पास जो डी है वो लेस देन 0 मींस नेगेटिव वैल्यू आ जाए डी की। तो जब हमने डी सोल्व किया, डी मींस b² - 4ac की वैल्यू कैलकुलेट की, तो यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। अब इन 3 पॉसिबिलिटीज के लिए अगर तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन 0, तो इसके जो 2 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, तो इसके जो 2 रूट्स होंगे यहां पे होंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होंगी। और अगर हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है 0, तो यहां पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो जो दोनों के दोनों रूट है वो रियल होंगे और दोनों के दोनों सेम होंगे। अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट भी 2 ही होगा, एक रूट 5 है तो दूसरा रूट भी 5 है, एक रूट -10 है तो दूसरा रूट भी -10 है, तो दोनों जो रूट है वो रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर हमारा डी हो जाता है नेगेटिव, डी की वैल्यू आती है नेगेटिव, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो नो रियल रूट्स। तो कोई भी हमारे पास रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। तो रियल रूट नहीं होंगे मीन्स हमारे पास जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे,
और ये आपकी स्टडी में फिलहाल नहीं है, ये 10+1 में जाके आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहां पे अब जिन केसेस में रूट रियल होंगे, जिन केसेस में रूट रियल होंगे, तो यहां पे हमारे पास 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। इसमें रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम रियल रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे इस केस के लिए भी और इस केस के लिए भी। अगर कोई रियल रूट है ही नहीं है तो फिर हमें आगे चलने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टॉप हो जाएगा, आगे हमें नहीं चलना। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास बेसिक है एक्सरसाइज 4.4 के लिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, बहुत सारे क्वेश्चन आप 4.3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो हमें नेचर फाइंड करना है, एंड इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड भी करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो ये हमारे पास है 2x² -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, अगर वो रियल है तो फिर हमें उनको फाइंड करना है। तो यहां पे हम इसको कंपेयर कर देते हैं किसके साथ, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आ जाती है 2, b की वैल्यू आ जाती है -3 और c की वैल्यू आ जाती है 5। अब हम डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकाल लेते हैं, d होगा हमारे पास b² -4ac। तो d हमारे पास आ जाएगा b -3 इट्स होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो d इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 × 8 की 5 के साथ करेंगे तो ये 40। तो d हमारे पास आ गया -31। तो ये तो लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर नेगेटिव हो जाए तो कोई रियल रूट नहीं होता। हम लिखेंगे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहीं पे आगे क्वेश्चन नहीं रुक गया, आगे क्वेश्चन नहीं चलेगा, क्योंकि कहा था कि रूट्स फाइंड करो अगर वो रियल है, एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक इसी तरह से मेरे बच्चों अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3x² -4√3x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। तो डिस्क्रिमिनेंट डी b² -4ac। तो d इज -4√3 इट्स होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमारे पास है 4। तो d इज इक्वल टू, देखो -4√3 इट्स होल स्क्वायर है, तो -4√3 इसकी मल्टीप्लाई करनी है -4√3 के साथ, -± 4 की 4 के साथ 16, √3 की 3 के साथ करेंगे तो 3, 16 की 3 के साथ 48। तो यहां से हमारे पास 48 बना, -4 की 3 के साथ 12, 12 की 4 के साथ 48। तो यहां से भी 48 0 हो गया, d इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो दोनों रूट होंगे वो रियल होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि उनकी वैल्यू सेम होगी। और रूट कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल देंगे, -b प्लस -√d
डिवाइड बाय 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है हमारे पास माइनस फोर रूट थ्री, तो ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू हमारे पास है जीरो डिवाइड बाय टू इंटू ए, ए की वैल्यू हमारे पास थ्री, तो x इज माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फोर रूट थ्री प्लस माइनस रूट जीरो से तो जीरो ही मिल जाएगा, यहां पे सिक्स आ गया, तो यहां पे एक बार तो हम x इज इक्वल टू फोर रूट थ्री प्लस जीरो डिवाइड बाय सिक्स करेंगे, और एक बार x इज इक्वल टू फोर रूट थ्री माइनस जीरो डिवाइड बाय सिक्स करेंगे, तो यहां से x इज इक्वल टू फोर रूट थ्री डिवाइड बाय सिक्स हो गया, और यहां से भी देखो माइनस और प्लस कर, जीरो प्लस कर ले या माइनस कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी वजह से जीरो प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी वजह से दोनों जो रूट है वो सेम आएंगे, तो यहां से हमारे पास ये टू और ये थ्री, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू टू रूट थ्री डिवाइड बाय थ्री, और यहां से भी x इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा टू थ्री, तो टू रूट थ्री डिवाइड बाय थ्री, वैसे तो इसके साथ रूट थ्री, इसको रूट थ्री ये कैंसिल करेंगे तो नीचे एक रूट थ्री रह जाएंगे, लेकिन हम नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं, फिर उसको रैशनलाइज करते हैं, तो यही बेटर सिचुएशन है, हम लिखेंगे सो रूट्स आर टू रूट थ्री डिवाइड बाय थ्री एंड टू रूट थ्री डिवाइड बाय थ्री, तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़े, फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी कुछ इसी तरह से है, इसमें है हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो, तो इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से ए की वैल्यू टू आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस सिक्स और सी की वैल्यू थ्री आएगी, अब हम डी निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इज बी माइनस सिक्स इट्स होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू टू और सी की वैल्यू थ्री, तो डी इज इक्वल टू माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स हो जाएगा माइनस फोर की टू के साथ एट, एट की थ्री के साथ ट्वेंटी फोर, तो डी इज इक्वल टू ट्वेल्व ग्रेटर देन जीरो, हम लिखेंगे सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, अब उनको निकालना है क्योंकि रियल है, तो यहां से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस सिक्स है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक बार, प्लस माइनस रूट ट्वेल्व डिवाइड बाय टू इंटू ए की वैल्यू टू है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का सिक्स हो गया, प्लस माइनस देखो रूट ट्वेल्व को हमने लिखा फोर इंटू थ्री और डिवाइड बाय फोर, तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस इस फोर से बाहर टू आ जाएगा रूट से, तो टू रूट थ्री डिवाइड बाय फोर, तो एक बार तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू रूट थ्री डिवाइड बाय फोर, और दूसरे में एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू रूट थ्री डिवाइड बाय फोर, तो एक्स इज इक्वल टू इसमें से टू कॉमन आ जाएगा, ये थ्री प्लस रूट थ्री आ जाएगा, इसमें से टू कॉमन लेंगे तो थ्री प्लस रूट टू सॉरी इसमें से टू कॉमन लेंगे तो यहां थ्री रह जाएगा और यहां रूट थ्री आ जाएगा और डिवाइड बाय फोर, तो इससे कैंसिल होकर टू आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय टू, और इस जगह से जब हम करेंगे तो यहां से भी टू कॉमन आ जाएगा, थ्री माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय फोर हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय टू, सो रूट्स आर एक तो हो गया थ्री प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय टू और दूसरा हो गया थ्री माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय टू, मेरे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो ये हमने एक्सरसाइज 4.3 में भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किए हैं, तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर वन है वो कंप्लीट हो जाता है।
ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं इसमें क्या कहा गया। सिंपल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं आएगा 2nd क्वेश्चन में भी। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहां पे हमें क्या करना है सेकेंड क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, किस कंडीशन क्या है कि जो रूट्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। और रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो होती है। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू जीरो होता है। तो हमें ये कंडीशन यूज करनी है। यहां पे इसके टू पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, और सेकेंड पार्ट है हमारे पास kx इंटू x माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है कि जो रूट्स है वो इक्वल है। अब आप देखो इसको कंपेयर करेंगे, करें तो कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट है b और यहां x का कोएफिशिएंट है k, और c की वैल्यू 3। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है कब के जो रूट्स है वो कैसे है, इक्वल है। फॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन टू बी इक्वल वी मस्ट हैव डी इज इक्वल टू जीरो। तो रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डी इक्वल टू जीरो होगा। और डी होता क्या है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू कितनी है, k, तो k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, दैट इज इक्वल टू जीरो। k² माइनस 8 के साथ 24, दैट इज इक्वल टू जीरो। k² इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू इधर रूट कर देंगे, लेकिन स्केयर रूट यहां पर प्लस माइनस लगा देते हैं, तो ये रूट 24, इसमें से हम प्लस माइनस 4 इंटू 6 लिख लेते हैं, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 से बाहर 2 आ जाएगा, तो 2√6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो k की ऐसी 2 वैल्यूज हो सकती है, एक तो 2√6 और एक -2√6। तो k की ये वैल्यू हमारे पास हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक यहां पे भी ऐसा ही कहा गया। अब देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहचान लें। हम लिखेंगे kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, इसकी मल्टीप्लाई कर दी kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x² इधर k है, b की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x इधर -2k है, और c की वैल्यू 6। यहां पे हम लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव, इक्वल रूट के लिए d इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं आप चाहे तो ऐसे लिख। d मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो,
बी हमारे पास कितना है माइनस टू के, इट्स होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू सिक्स, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया फोर के स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो। इसमें से फोर कॉमन और के कॉमन, यहां से के आ गया माइनस सिक्स, दैट इज इक्वल टू जीरो। या तो फोर के इज इक्वल टू जीरो और यहां से के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां से के इज इक्वल टू जीरो और यहां से के इज इक्वल टू सिक्स। तो ये हमारे पास के इज इक्वल टू जीरो एंड के इज इक्वल टू सिक्स, तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाते हैं। तो बिल्कुल आप जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें, आप अपने आप ही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेकंड तक ही हमने यहां पे किया है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अलग तरह से हो जाते हैं। तो इन दो क्वेश्चन को आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।